फनकार की पब्लिक, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक रैंडम व्लॉग है। मैं असल में ना रहमानपुर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा यार शॉर्मा, ये असल भाई ने कहा था शॉर्मा लेते आना यार, इनको भूख बहुत लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आते हुए शॉर्मा भी जाऊँगा और ना थोड़ी सी वीडियो बना लूँगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young. आए जी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो है अहमद भाई, ये शॉर्मा बनाते हैं यहाँ पे। ये कौन सा चौक है? रहमानपुरा चौक में जी ये इनका स्टॉल है। तो और ये देखें, इनके पास ये सारी वैरायटियां हैं, बड़ा शॉर्मा, जिंगर शॉर्मा, जम्बो शॉर्मा, फ्राइज़, काफ़ी चीज़ें हैं। इधर आए हैं आप, ज़रूर विज़िट करें और खाएं। और इनका जो है, वैसे भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही खाना है, तो मैं देखता हूँ इनका के कैसा टेस्ट है। अरे भाई, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही खाना है, तो मैं भी आपको देखूँगा कि कैसा है। इंशाल्लाह आपके कहने पर आप देखेंगे खाएँगे तो कैसा है। बाकी इनकी जो है सफाई, और ये तो बहुत मुझे ज़बरदस्त लगा है इनका, जो जितना भी ये सारा है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये, और ये भाईजान, भाईजान आपका क्या नाम है? मोहम्मद नवीद भाई हैं। ये जो शॉर्मे के जो ये ब्रेड्स हैं, इसे क्या कहते हैं भैया? शॉर्मे की ब्रेड। ये जो ब्रेड है ये लगा रहे हैं, तो उसके बाद ये डेली इनकी डेली फ्रेश आती है, आपकी डेली फ्रेश आती है, और डेली इनका जो सैलड है और जितना भी इनका सामान है वो डेली वेजिस पे जो तैयार करते हैं ये। तो इंशाल्लाह ये देखें, अभी ये सामान इनका आता है, चिकन आता है, तो फिर वो भी आपको दिखाएँगे कि चिकन ये कैसे बनाएंगे। तो क्वालिटी और क्वांटिटी तो इनकी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर आएँ इधर, विज़िट करें और इनसे खाएं। ये आपके लिए, ये भावनगर का बदला मिल गया मुझे, अब इनसे मजबूरी होगी इनसे खाना। भाईजान भावनगर किस जगह के आप? मिंचनाबाद के जनाब। ये किस जगह? मिंचनाबाद, मुलीपुरा। अच्छा जी, मिंचनाबाद के हमारे एक और दोस्त भी हैं, वैसे मैं खुद भावनगर का हूँ, बदनी कलोनी का। तो यार बड़ा अच्छा लगा यार आपसे मिलके, के बड़ी खुशी हुई कि ये जो हमारे जो वो वहाँ के एरिया के लोग हैं, बड़े मेहनती हैं, और देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उन्होंने काम किया हुआ है। ये भजन वहाँ से आए हैं, लेकिन ये जो इनका काम करने का तरीका लग नहीं रहा है कि वैसे हैं। देखें, एक छोटी सिटी से आके इन्होंने माशाल्लाह लाहौर में काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको कामयाबी दे, तरक्की दे। बड़ी खुशी हुई है यार अहमद भाई। ये देखे जी, ये चिकन आ गया, तो ये भाई भी आ गए। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? हाफिज़ अल्ताफ भाई आ गए हैं। ये इंशाल्लाह शॉर्मा खिलाएंगे आज हमें। मैं फ़र्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ इनका, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जो है ना सफाई सुथराई बहुत ज़बरदस्त इन्होंने की हुई थी। तो बिल्कुल 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 आफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो वाकई हमारी ऑडियंस को भी नज़र आ रही है कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपने रखा है, और बहुत ही साफ। मैं देख के तो रुका था इधर, मेरा खाना वैसे खा चुका था, लेकिन मैंने कहा यार नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल जी, मैंने दिखाया है उन्हें, फिर से दिखाता हूँ। ये देखें इनका चिकन जो है वो ओपन नहीं है, ताकि डस्ट वगैरह और कोई भी जानवर वगैरह, ग्लव्स वो उन्होंने पहन लिए हैं। ये देखें जितना भी इनका सैलड है सब, ये देखें जी, आप साहब एक स्पाइसी कर दीजिएगा और एक नॉर्मल। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें सारा कुछ ही है, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और इसमें तकरीबन ओवरऑल जितने मसाले हैं ना, ये भी मुझे होममेड ही लग रही है, मतलब कि घर ही बनाई है आपने। तकरीबन ओवरऑल चीज़ें खुद बनाते हैं और घर में बनाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह खुद तैयार करते हैं। जबरदस्त, मुझे इस फील्ड में तकरीबन 6-6.5 साल हो गए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह 6 साल से आप कर रहे हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं 6 साल से। 6 साल से वाह जी वाह।
आप साहब आपने भी नाम नहीं रखा अपने स्टॉल का, एजाज शर्मा पॉइंट के नाम से। चले मैं मेंशन कर दूंगा। मेन रहमानपुरा चौक एजाज। हाँ जी हाँ जी। आप किसी से पूछेंगे तो नक्शा साथ से उतरेंगे तो किसी से पूछेंगे तो आपको बता देंगे। वो तो इजी एड्रेस है रहमानपुरा को, तो किसको नहीं पता, जो नॉर्मल रहता है उसको सबको पता है रहमानपुरे का। और टेस्ट भी इंशाल्लाह क्वालिटी और क्वांटिटी अगर 100 का दे रहे हैं आप कह रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी है, इस वजह से हमारा 100 का। बाकी 70 का दे रहे हैं लेकिन उनका, और ये चिकन भी वो वाला टेस्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। चले जैसे देखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है, खाएंगे तो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया हफ़ज़ भाई, अहमद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया यार।